और चलिए अब सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दौसा के बांदीकुई में बदमाशों ने बड़ी वारदात की है। एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़ कर ले गए ये बदमाश। करीब 25 से 30 लाख नकदी चोरी होने की संभावनाएं बनी है। बड़ियाल रोड से स्थित एटीएम पर दिया बदमाशों ने वारदात को अंजाम। सूचना पर हालांकि बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर अवलोकन किया जा रहा है। अब तस्वीरें भी जरा देखिए, दौसा के बांदीकुई से फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें की किस तरह से बदमाश एटीएम को उखाड़ करके ले गए। देखिए किस तरह से आसपास सामान बिखरा है और जब एटीएम को उखाड़ने का प्रयास इन बदमाशों ने किया, ये तब की तस्वीरें। सब कुछ तीतर भीतर नजर आ रहा है। देखिए किस तरह से वारदात को अंजाम दिया है और संभावना यही बनी है कि 25 से 30 लाख की नकदी ये बदमाश अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। हालांकि लगातार अवलोकन कर रही है पुलिस और मौके पर पहुंची है। और चलिए सहयोगी लक्ष्मीकांत दौसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिक जानकारी देंगे। लक्ष्मीकांत देखिए, एक बड़ी वारदात की गई, एटीएम को उखाड़ कर ले गए बदमाश, क्या कोई जानकारी लगी बदमाशों के को लेकर? देखिए जो पूरा घटनाक्रम है बांदीकुई के बड़ियाल रोड का है, एसबीआई बैंक का एटीएम जो है वो बताया जा रहा है। जिस तरह से फुटेज हम देख रहे हैं, एक बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। ये जो घटना है ये रात की बताई जा रही है। हालांकि जो एक प्रत्यक्षदर्शी है उसका ये कहना है कि लगभग 3 बजे जब वो जागा था आवाज के माध्यम से, तो उसको ये एहसास हुआ था कि कुछ गड़बड़ है। उसने पुलिस को फोन भी किया है जो पास में ही एटीएम के पास में उसका मकान था, लेकिन चूंकि बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद थे, उसके जागने के बाद भी उसे धमकाया है और एटीएम को उखाड़ करके ले गए हैं। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए, बांदीकुई पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है, जहां तक संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो पिकअप में सवार होकर के लगभग 5 से 6 बदमाश जो है वो आए हुए थे। जी लक्ष्मीकांत, घटना से जुड़ा क्या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया? क्योंकि देखिए अक्सर एटीएम के बाहर जो है कैमरे भी लगे होते हैं, तो क्या इस तरह का कोई फुटेज पुलिस के हाथों लगा है? देखिए अभी तक कोई फुटेज नहीं लगा है, क्योंकि जो बदमाश हैं जिस एटीएम को टारगेट किया है उसके सीसीटीवी जो भी है कैमरा जो उनको डैमेज किया हुआ है, और निश्चित रूप से जो आजू बाजू या आसपास जो भी है जो लाइन है उस पर जो फुटेज है उनको पुलिस खंगाल रही है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि बदमाश किस एंगल से आए थे, किस तरह के बदमाश हैं और क्या वाहन लेकर के आए थे। अभी एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो पुलिस को नहीं मिल पा रही है। हमारी जो एसएचओ है उनसे मौके पर बात हुई है, वो इस बात की तलाश में जुटे हुए हैं कि आखिर जो बदमाश हैं वो किस तरह से वारदात को अंजाम देकर के गए हैं, कि कहीं ना कहीं इसे सीसीटीवी फुटेज में ट्रेस किया जा सके। जी लक्ष्मीकांत, आपने जैसी जानकारी दी कि बदमाश पिकअप में सवार होकर के आए थे, तो क्या आसपास के लोगों ने उन्हें देखा? कोई पहचानता है बदमाश को? किस तरह के आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया? देखिए बिल्कुल, एक व्यक्ति जो है जिसने बाकायदा मीडिया को बयान भी दिया है, उसका ये कहना है कि लगभग 3 बजे के आसपास वो जाग गया था, और जागने के बाद में जैसे ही उसने आवाज और खड़बड़ाहट जब सुनी है तो उसने पुलिस को फोन भी किया है और आसपास के जो लोग हैं उनको जगाने की कोशिश की है, उसने शोर मचाने की कोशिश की है, लेकिन बदमाश जो है जिस तरह से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे।